सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ ही जोहार। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो, अभी मॉर्निंग का टाइम है और गैच आज हम लोग अभी लास्ट में दोस्तों, बाद में हम लोग लेट से दोस्तों अपना छोटा घर बाबू के साथ जा रहे हैं। और गैच देख सकते हो, बाबू मेरे साथ है। और गैच आप सभी लोग को मैं बताऊंगा कि दोस्तों आज ना हमारा आदर्श बाबू का छुट्टी है और गवर्नमेंट वालों का छुट्टी नहीं है, मिशन वालों का है। और आज दोस्तों क्या त्यौहार मनाएंगे बाबू? संत फ्रांसिस असीसी का त्यौहार है और मिशन स्कूल में पढ़ता है, तो बाबू का छुट्टी है और गवर्नमेंट वालों का नहीं है। तो चलो दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ अभी मैं जाते हैं हम लोग छोटा घर के पास। और किस लिए जा रहे हैं आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों हम लोग छोटा घर के पास जा रहे हैं और साथ में दोस्तों ये देख लो हथियार, ये रहा दोस्तों भैया, दोस्तों नया फावड़ा ला दिया था और इसमें दोस्तों नहाने का सामान है। और कल दोस्तों मैं बैगन का गाछी लाया था, उसको दोस्तों हम लोग अभी लगाने के लिए जा रहे हैं। बाबू दिखा दो, तो सुबह सुबह ही हम लोग जा रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो। और जाल भी दोस्तों बाबू पकड़ा है नया नया, आज ट्राई करेंगे सोच रहे हैं, तो उसी के लिए दोस्तों पकड़ा है। और साथ में इधर साबुन भी नया पकड़ा है और टमाटर का नहीं, बैगन का गाछी भी। तो चलो दोस्तों पहुँचते हैं जहाँ कल मैं बना रहा था, वहीं पे दोस्तों लगाने का प्लानिंग है। और चलो दोस्तों थोड़ा अभी YT स्टूडियो खोल के देखता हूँ कि कल की वीडियोस से मुझे कितना सब्सक्राइबर मिले हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपना छोटा घर के पास और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का काम बूता शुरू हो चुका है। यहाँ पे गैच आप सभी लोग देख सकते हो, बाबू दोस्तों यहाँ पे खाद ला रहा है और दोस्तों देख सकते हो जगह 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 वहाँ पे रख रहा है। और गैच मेरा काम ये देख लो, मैं दोस्तों फावड़ा इधर पकड़ा, फिर मैं जगह जगह पर यहाँ पे मिट्टी खुदाई कर रहा हूँ और बाबू का काम ये रहा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले तो मैं खोद लेता हूँ और बाबू खाद बिछा लेता है, उसके बाद लगाएंगे। तो उसको आप सभी लोग को हम लोग कैसे लगाएंगे दिखाएंगे। सो गैच आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लगाने के लिए पूरे तरफ दोस्तों खाद बिछा दिए हैं एंड अभी लगाना बाकी है। तो चलो दोस्तों लगाना हम लोग शुरू करते हैं। ये देख लो चारों तरफ दोस्तों कैसे बैगन लगाते हैं, मेरे को गैज उतना जानकारी नहीं है दोस्तों, मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, ये रहा दोस्तों देख सकते हो। तो चलो दोस्तों लगा के देखते हैं और इनका रिजल्ट तो दोस्तों बाद में ही पता चलेगा कि इसमें फल अच्छा आ रहा है कि नहीं, कि केवल दोस्तों दो चार दिन के बाद ही मर जाएगा। ये दोस्तों हम लोगों को भी पता नहीं है, आप सभी लोगों को भी पता नहीं है। तो गैच डेली ब्लॉग्स को देखते रहना, क्या क्या होगा आप सभी लोगों को तो पता चलते रहेगा। तो चलो दोस्तों लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, इतने सारा दोस्तों हमारे पास बैगन का गच्छी है और गैच यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो पहला दोस्तों आप सभी लोग को मैं लगा कर दिखाता हूँ, ये रहा दोस्तों। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं ऐसे ऐसे, और दोस्तों ऐसे खाद डाल देते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद दोस्तों ये देख लो ऐसे मैं लगा देता हूँ। ये रहा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले तो जितना भी सारा है, इतना सारा सबको दोस्तों मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों मैं अभी अपना काम छोड़कर अभी घर जा रहा हूँ। दोस्तों मैं बैगन लगा रहा था तभी दोस्तों मेरी छोटी दीदी मेरे को कॉल की और बोल रही है कि हमारी छोटी नूनी को बुखार पकड़ा है। तो दोस्तों आप सभी लोग पहले वाला ब्लॉग्स में देख चुके होगा कि दोस्तों मेरी छोटी दीदी का, सबसे छोटी वाली बच्ची को दोस्तों बुखार पकड़ा है, तो कॉल की और मेरे को बुला रही है। तो दोस्तों मैं अभी काम छोड़ा हूँ, अधूरा है, उसको दोस्तों शाम के समय मैं आकर लगाऊंगा। लेकिन अभी गैच मैं जा रहा हूँ घर और दोस्तों मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, तो अभी दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ और खा के दोस्तों मैं खाना वगैरह दीदी के पास जाऊँगा। और दीदी के पास जाने के बाद दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल नूनी को, हमारी छोटी बच्ची को दोस्तों, दीदी की छोटी बच्ची को हॉस्पिटल हम लोग ले जाएंगे। तो चलो दोस्तों आप सभी लोगों को भी मैं घुमा कर लाता हूँ हॉस्पिटल, आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ। गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल जाएंगे और दोस्तों यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा हमारे गाँव से और लगभग दीदी के गाँव से 5 या 6-7 किलोमीटर के आसपास होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं गैच जा रहा था घर और दोस्तों मम्मी ना मेरे लिए दोस्तों खाना ला रही थी और दोस्तों हम लोग मिले रास्ते में। ये देख लो अभी गैच हम लोग अदला बदला, मम्मी जाएगी खेत के पास, पापा जा चुका है और दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी अपना घर। सो दोस्तों फाइनली मैं अपना घर पहुँच चुका हूँ और दोस्तों आज ना बहुत दिनों के बाद मैं घर में खाना खाया हूँ, नहीं तो दोस्तों मैं उधर ही छोटा घर के पास खाता था।
ये रहा दोस्तों मेरा बाइक का चाबी। और चलो अभी दरवाजा बंद कर देते हैं, अभी तो घर में कोई नहीं है, बाबू भी उधर खेत की ओर चला गया है, मम्मी भी पप्पा भी। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी पकड़ के दीदी के पास जाता हूँ, और दीदी को दोस्तों मैं नूनी को लेकर दोस्तों हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो चलो अभी दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल है। और गए थे यहाँ पे ना पैसा वगैरह नहीं लेते हैं, केवल दोस्तों 10 रुपया एंट्री फीस, उसके बाद दोस्तों निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो चलो आप सभी लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हो, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटाई किला, बहुत बड़ा जगह पर यहाँ पे है। और गैच देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारा देख सकते हो दोस्तों उपचार करने के लिए आए हैं, उन लोगों का ये बाइक है। दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं और अभी रास्ते में हैं, और गैच यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिसे दोस्तों हम लोग इलाज करने के लिए लिए थे वो भी अभी ठीक ठाक है, पहले भी ठीक ठाक थी। और दोस्तों इसको ना नूनी को दोस्तों ना ही इंजेक्शन दिए और ना ही गोली, केवल दोस्तों 3 सिरप दिए हैं, और ये देख लो अभी भी ताज़ा है। और दीदी है, और गैच अभी मैं दीदी को अपने घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं लौट कर आऊँगा। दोस्तों मैं दीदी को अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद गैच मैं खुद का घर नहीं गया हूँ, डायरेक्ट दोस्तों बाइक पकड़ कर मैं छोटा घर के पास आ रहा हूँ, और बाइक को दोस्तों वहाँ पर मैं रोड के पास पार्क कर दिया हूँ, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, छुप गया, वहीं पर दोस्तों पार्क कर दिया हूँ। और गैच मैं छोटा घर के पास जा रहा हूँ, और दीदी दोस्तों मेरे लिए एक प्लेट ढुसका बंधवा दी और एक लीटर गैच पेट्रोल भी डलवा दी। दोस्तों तो अभी मैं जाता हूँ अभी छोटा घर के पास, और हम लोग आदर्श बाबू के साथ खाएंगे ढुसका को, और क्या काम चलेगा आगे तो आप सभी लोगों को पता चलते रहेगा। तो चलो यार बहुत ही ज़्यादा धूप है। दोस्तों मैं फाइनली छोटा घर के पास पहुंच चुका हूं, और दोस्तों यहां पे मम्मी क्या काम कर रही है आप सभी लोग देख सकते हो, यहां पे गए हम लोग बादाम लगाए हैं, उसी में किनारे किनारे दोस्तों उड़द भी लगाए थे 1-2 पौधा, तो उसी को दोस्तों वो भी रेडी हो चुका है, उसको भी दोस्तों मम्मी देख सकते हो यहाँ पे तोड़ रही है, और कितना सारा तोड़ी है ये देख लो, बहुत ज़्यादा तोड़ी है। और जो एक खेत में तो स्पेशल हम लोग लगाए थे, और यहाँ पे किनारे किनारे ऐसे छिटकाव कर देते बीज को, तो वो भी दोस्तों रेडी हो गया था। तो मम्मी का यही है आज का काम, और पप्पा दोस्तों उधर अपने काम में व्यस्त है। दोस्तों फाइनली मैं छोटा घर के पास पहुँच चुका हूँ, और ये रहा दोस्तों दुष्का, और ये देख लो बाबू के लिए, ये लो तेरे लिए दूर दूर से ला दे रहा हूँ, देखो अभी खाएंगे हम लोग, मैं भी खाऊंगा बाबू भी खाएगा। कैसे लग रहा है तुम दुष्का को देखकर, खाने का मन कर रहा है कि नहीं? मैं तो अकेला खा दूंगा। अकेला खा देगा, चलो दोस्तों खाते हैं पहले, नहीं तो अकेला खा देगा। अधूरा मेरा काम था दोस्तों, उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। और गैच यहाँ पे देख सकते हो हमारा दोस्तों बैगन का गाछी गैच थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो दोस्तों हम लोग जिधर लगाना था उधर तो दोस्तों मैं लगा चुका हूँ, इधर साइड देख सकते हो लगा चुका हूँ, और गैच एक्स्ट्रा हो रहा था ना उसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा सोच कर दोस्तों, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो टमाटर लगाए थे उसके बीच बीच में बड़ा बड़ा जगह था, वहाँ दोस्तों मैं फिर से खाद बिछवा दिया हूँ बाबू के जरिए, बाबू यहाँ पे दोस्तों खाद बिछा दिया है और बहुत ही ज़्यादा जगह पर बिछा दिया है, और सोच रहा हूँ दोस्तों यहीं पर मैं जो बैगन का जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको दोस्तों लगा देंगे, और गैच और एक्स्ट्रा हो जाएगा खाद बिछाया हुआ उसको दोस्तों हम लोग फिर से कुछ नया चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो गैच थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, बीच बीच में आप लोग देख सकते हो टमाटर जो कि थोड़ा मैं पहले लगाया था ना तो बड़ा बड़ा पौधा था वही दोस्तों, और बीच में हम लोग फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अपना घर, और ये रहा दोस्तों हमारा आदर्श बाबू मेरे साथ, नया नया कपड़ा पहन कर गया था। तो दोस्तों यही था हमारा विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों कल की ब्लॉग्स में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।